राम गोपाल के हत्यारे उसकी निर्मम हत्या के बाद नेपाल के रास्ते भागने की फिराक में थे, लेकिन नेपाल बॉर्डर के पास ही उन्हें घायल कर दिया गया। लेकिन एनकाउंटर की सियासी गलियारों में भी गूंज है। एनकाउंटर करना और नफरत को बढ़ावा देना, ये सरकार को नया तरीका मिल गया है काम करने का। ये अपनी सब नाकामी छिपा रहे हैं। ये पहले से फर्जी इनकाउंटर करा रही है, चाहे वो मंगेश यादव का हो, अजीत प्रताप सिंह का हो, चाहे ये बहराइच, ये केवल और केवल अपने फेलियर को, अपनी कमियों को छिपाने के लिए। पुलिस हमेशा उनको गिरफ्तार करने का, अपराधी प्रवृत्ति के लोगों को गिरफ्तार करने जाती है। अगर वो हरकत करते हैं तो पुलिस की तरफ से फायरिंग होती है, वो चाहे मरे जिंदा या मुर्दा उनको पकड़ना है। योगी के विरोधी योगी की पुलिस पर एनकाउंटर को लेकर सवाल जरूर उठा रहे, लेकिन योगी आदित्यनाथ का संदेश साफ है, गुनाह करोगे तो बच नहीं पाओगे, हिसाब तो होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और बहराइच सीधे रुक करेंगे क्योंकि तस्वीरें वहां से आ रही हैं। बड़ी खबर आपको बता देती हूँ, हमारे सहयोगी वैभव जुड़ रहे हैं। बहराइच हिंसा और आगजनी पर एसपी वृंदा शुक्ला का बयान आया है, वो कह रही हैं आरोपियों पर एनएसए लगेगा, यानी कि रासुका लगेगी। ये कह रही हैं रासुका के तहत कार्रवाई होगी, यानी अब क्लियर है कि जिन लोगों को पकड़ा गया है उन पांचों पर अब रासुका लगेगी, उन पर लगेगी एनएसए, एनएसए के एक्ट के तहत ही कार्रवाई होगी। अब ये भी बिल्कुल साफ हो गया। हम वैभव के पास एक बार जा रहे हैं। वैभव जरा बताइए वहां पर इस वक्त क्या हो रहा है, पांचों को पकड़ा गया है, उनमें से दो अस्पताल में है, उनकी हालत कैसी है? क्योंकि बार बार बीच में खबरें ये भी आ रही थी कि एक की मौत हो गई है, इस वक्त वहां से अपडेट क्या है? देखिए बिल्कुल सुचारिता, हम इस वक्त बहराइच के जिला अस्पताल के ठीक बाहर ही मौजूद हैं। हाँ। और सबसे पहली बात यह है कि संदेश लाउड एंड क्लियर है कि इस पूरे मामले में जो भी आरोपी हैं उन पर अब एनएसए के तहत कार्रवाई की जाएगी। अस्पताल के बाहर की तस्वीर और आपका जो सवाल है, उस सवाल के जवाब में मैं दर्शकों को यही बताना चाहूंगा कि जो दो आरोपी हैं जिनके साथ मुठभेड़ हुई थी, सरफराज और तामिल, इन दोनों की स्थितियां फिलहाल जो है वो स्थिर है, यानी कि खतरे से बाहर है, क्योंकि खुद इस एनकाउंटर के बाद वृंदा शुक्ला जो एसपी बहराइच की है वो अस्पताल पहुंचती हैं, और अस्पताल से जब वो बाहर निकलती हैं तो उनके हेल्थ को लेकर वो ब्रीफ करते हुए बताती हैं कि पहले मुठभेड़ कैसे हुई, मुठभेड़ के दौरान जिस वेपन का इस्तेमाल हत्या में किया गया था राम गोपाल की, उसी वेपन को नानपारा के उस इलाके में छिपा कर रखा गया था, जिस वेपन की बरामदगी के लिए पुलिस तामिल और सरफराज को लेकर उस स्पॉट पर जाती है, लेकिन उन लोगों ने पहले से ही उस वेपन को लोड करके रखा था। वहां पर पहुंचते ही वो सीधा फायर करने लगते हैं पुलिस पर, और पुलिस आत्मरक्षा में जब गोली चलाती है। वैभव बताइए, आप जो बता रहे थे तस्वीरें जरा दिखा दीजिए, क्योंकि वहां पर इस वक्त सब लोगों का ध्यान बहराइच पर ही है और आप अस्पताल में मौजूद हैं। जी, आप पुलिस जब आत्मरक्षा में गोली चलाती है तो दोनों लोगों के पैर में ये गोली लगती है, जिसके बाद आनंद फानंद में उन सभी दोनों आरोपियों को जो है वो अस्पताल में लेकर आया जाता है, क्योंकि अब तक के इस पूरे प्रकरण में छह जो नामजद आरोपी थे उनकी गिरफ्तारी को लेकर बड़े सवाल उठ रहे थे, और अब जब एसपी खुद ये क्लियर कर चुकी है कि उन छह लोगों में से पांच लोगों को जो है वो अब तक गिरफ्तार किया गया है, और जिनमें से सरफराज और तामिल नाम के दो वो युवक जो इस पूरे घटनाक्रम में मुख्य रूप से शामिल थे, जिनको सबसे पहले आरोपी जो है वो बनाया गया था, उन लोगों को एनकाउंटर में जो है वो घायल किया गया है, और फिलहाल अस्पताल के अंदर दोनों लोग मौजूद हैं। बाहर सुरक्षा की बात करें तो यहां पर उत्तर प्रदेश पुलिस के जवानों की मुस्तैदी है, क्योंकि बहराइच के अंदर बीते दो से तीन दिनों में शांतिपूर्ण स्थितियां किस तरह से जो है वो अशांति में बदली थी, कैसे अब कानून व्यवस्था को और मजबूत किया जाए और कैसे बहराइच में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो है वो ना बिगड़े, इसके मद्देनजर अस्पताल के बाहर भी सुरक्षा का व्यवस्था का जो पहरा है वो बहुत सख्त है। और जो तस्वीरें दिखा रहे हैं, मैं एक बार एक और बड़ी खबर बता देती हूं, क्योंकि ये डेवलपिंग खबर है। पांच लोगों को गिरफ्तार किया, उनमें से दो को गोली लगी है क्योंकि वो भागने की फिराक में थे। बहराइच हिंसा के आरोपियों के एनकाउंटर पर डीजीपी प्रशांत कुमार ने जो बात कही है, उन्होंने कहा है कि मुठभेड़ के बाद आरोपी सरफराज और तालीम को गिरफ्तार किया है, जवाबी फायरिंग में सरफराज और तालीम को गोली लगी है, आरोपियों के पास से हथियार भी बरामद हुए हैं। तो ये भी कहा जा रहा है,
राघवेंद्र जरा बताइए, ये लखनऊ में भी एक बड़ी बैठक इस एनकाउंटर के बाद हो रही है ये भी कहा जा रहा है, जरा बताइए, क्योंकि आज मुख्यमंत्री थे शपथ ग्रहण में, वो क्या वापस लखनऊ पहुंच गए हैं? उनको ब्रीफ किया गया है, एसटीएफ चीफ ने बताया कि मुख्यमंत्री को फोन पर जानकारी दी थी। बिल्कुल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार बनी है उस शपथ ग्रहण समारोह में थे, लेकिन उत्तर प्रदेश में कुछ और हो रहा था। यहाँ पर जो यूपी एसटीएफ है, जो एटीएस है, उत्तर प्रदेश की पुलिस है, जिसकी जिम्मेदारी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिया था कि सख्त कार्रवाई हो, चूंकि वो पीड़ित परिवार के आंसू गिरे हैं मेरे सामने, उसको न्याय मिलना चाहिए। उसने न्याय में कुछ नहीं मांगा था, सिर्फ और सिर्फ बदला मांगा था कि जैसे उसके बेटे की बेरहमी से हत्या हुई है, जैसे उसके पति की बेरहमी से हत्या हुई है, उसी तरह का एक्शन वह परिवार चाहता है। अब वह जिम्मेदारी यूपीएसटीएफ उत्तर प्रदेश की पुलिस को योगी आदित्यनाथ ने दी थी, लिहाजा पल पल की खबर मुख्यमंत्री कार्यालय पहुंच रही थी और खुद यहां पर डीजीपी कार्यालय से पूरी निगरानी की जा रही थी बहराइच में, आखिर बहराइच में क्या कुछ हो रहा था। लेकिन लोडेड बंदूक बरामद हुआ, लोडेड बंदूक, जिस बंदूक से राम गोपाल मिश्रा की की गई, वह जब बंदूक बरामद हुई, देखिए ये बड़ी खबर बता रहे हैं राघवेंद्र। राघवेंद्र कह रहे हैं कि जो लोडेड पिस्टल जिससे कि हत्या की गई, वो हथियार भी बरामद किया है सरफराज के पास से। राघवेंद्र बता रहे हैं, ये जानकारी दे रहे हैं। ये बात इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि वो तस्वीरें भी सामने आई थी जब सरफराज ने गोली चलाई थी राम गोपाल मिश्र पर, और उसके बाद हथियार के साथ गिरफ्तार किया गया है सरफराज को। मैं एक बार बता दूं, ये तस्वीरें लगातार स्क्रीन पर रखी है। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता टूहिन सिन्हा है, हमारे साथ फॉर्मर डीजीपी यूपी डॉक्टर विक्रम सिंह है, हमारे साथ प्रोफेसर संगीत रागी जुड़ रहे हैं, अजीज खान साहब प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के, और सैयद जवाद साहब राजनीतिक विश्लेषक है, स्टूडियो में हमारे साथ हैं। मैं एक बार जरा जल्दी से बताना चाहती हूं कि अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं। अखिलेश यादव ने इस एनकाउंटर पर सवाल उठाए हैं, यूपी के उपचुनावों से जोड़कर इसे देखा है। वो कह रहे हैं कि अखिलेश यादव कह रहे हैं कि यह एनकाउंटर सही नहीं है, यह फर्जी है। उन्होंने कहा कि यह एनकाउंटर हुआ नहीं है, यह कराया गया है, यह भी वो कह रहे हैं। और सीधे सीधे ये भी कि यूपी में उपचुनाव है, इसीलिए नाकामी छिपाने के लिए एनकाउंटर कर दिया इस सरकार ने। बहराइच की घटना पुलिस की नाकामी है, मतलब ये कोई सफलता मत मानिए इसे, ये नाकामी है। बैलेंस करने के लिए एनकाउंटर कर रही है पुलिस, ये आरोप लगा रहे हैं अखिलेश यादव। हाफ एनकाउंटर है, डराने के लिए। हाफ एनकाउंटर क्यों कह रहे हैं? क्योंकि एनकाउंटर में किसी की जान नहीं गई है। पहले खबर ये आ रही थी कि शायद जान चली गई है एक की, वो कह रहे हैं हाफ एनकाउंटर है, सिर्फ डराने के लिए किया गया। मैं एक बार डीजीपी सर के पास जा रही हूं। सबसे पहले डीजीपी विक्रम सिंह आपसे पूछ रही हूं, ये जो अखिलेश यादव अब कह रहे हैं हाफ एनकाउंटर किया, डराने के लिए किया, ये पुलिस की नाकामी है। मैं पहले आपका इस पर रिएक्शन चाहूंगी, बहराइच एनकाउंटर की खबर आते ही आपका रिएक्शन पहले। सर आप अनम्यूट कर लीजिए, आपका म्यूट है ऑडियो। सुचरिता जी, जी मैं यूपी पुलिस को बधाई दूंगा कि उन्होंने अपनी विश्वसनीयता को बरकरार रखते हुए जो शातिर बदमाश थे उनको दस्तयाब किया और कानून की परिघ में रहते हुए उनको गिरफ्तार किया। हमारी डिक्शनरी में कोई हाफ एनकाउंटर नहीं होता है, गोली से ये तो घायल होते हैं जो कि ये घायल हैं या मारे जाते हैं, पुलिस वाले भी मारे जा सकते थे लेकिन इनको घायल कहा जाएगा। अब ये आपको सोचना होगा कि कौन ऐसी क्या मजबूरी है हमारे वरिष्ठ राजनीतिक व्यक्तियों को कि इस तरीके के हथियारों के पक्ष में चट्टान की तरफ खड़े हो गए हैं।